इस नए ईयर में स्पेशल है फालतू का काम करूंगा. माई न्यू ईयर विल बी स्पेंट ऑन द सेट. वहीं से आई टेक ऑल माई स्ट्रेंथ फ्रॉम देम. टाइम वेस्ट मैं बहुत करता हूँ तो उसकी लिस्ट तो कभी खत्म होगी नहीं. दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं विच आई एम डन विद. आई एम आकाश आहूजा योर अयान मित्तल फ्रॉम फालतू. अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल योर लव्ड वंस. तो बताइए क्या स्पेशल है इस ईयर, नए ईयर में क्या स्पेशल कर रहे हैं? इस नए ईयर में स्पेशल है फालतू और मैं फालतू की शूटिंग करूंगा, फालतू का काम करूंगा. बिल्कुल. क्योंकि वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है और नहीं करेंगे तो आप लोग देखोगे कैसे. तो माई न्यू ईयर विल बी स्पेंट ऑन द सेट दिस ईयर एंड आई एम वेरी ग्लैड टू यू नो हैव इट दिस वे. और बस मेहनत करते रहे हम लोग और इसी उम्मीद से करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए. यू नो लास्ट ईयर ऐसी कौन सी रिलेशन थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? रिलेशन तो फैमिली, माय मॉम, माय डैड, भाई, भाभी, देन देयर चार्ली भाई घर पे. तो दीज गाइज आर माय पिलर्स. वहीं से आई टेक ऑल माय स्ट्रेंथ फ्रॉम देम एंड या दे आर द वंस हु कीप मी गोइंग. आपके साथ इस पास्ट ईयर कौन सी चीज़ सबसे अच्छी हुई जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं? जो ईयर जा रहा है उसमें फालतू के लिए आप सबसे. और अगर आपको तीन वर्ड्स मतलब चुनने हो कि इस ईयर को डिस्क्राइब करने के लिए तो वो कौन से वर्ड्स होंगे? लर्निंग, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड. ऐसा कौन सा चीज़ है यू नो जिसमें आपको लगा कि आपने टाइम वेस्ट किया हो इस ईयर? टाइम वेस्ट मैं बहुत करता हूँ तो उसकी लिस्ट तो कभी ख़त्म होगी नहीं. बट ऐसे कौन से सिलेक्टिव एक दो? कुछ ऐसा कंटेंट देखा विच वॉज नॉट वर्थ वॉचिंग. बट ऐसा कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं. यू नो यू गेट समथिंग आउट ऑफ एवरीथिंग. और कौन कौन से प्रोजेक्ट लाने वाले हैं अपकमिंग ईयर में? आप कौन से क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आप दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं विच आई एम डन विद एंड विच शुड बी आउट एनी टाइम एंड आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि आप लोग जैसे अयान को प्यार दिखा रहे हो मेरे उस काम को भी दिखाओ. ऐसी कौन सी एडवाइस आप खुद को देंगे जो आप नए ईयर को मतलब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, नए ईयर आने वाला है, ऐसी कौन सी एडवाइस आप देंगे खुद को? मैं खुद को यही एडवाइस दूंगा कि थोड़ा और आई शुड बी अ लिटिल मोर काम एंड वैसे तो मैं काम हूँ बट थोड़ा और एंड आई शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी. लास्टली ऑडियंस को एक विश दे दीजिए. A very happy new year to you and all your loved ones. Please be kind towards everyone around you and try to help people in need and animals around you in need.